दोस्तों इसी बिल्डिंग में देख सकते हो आप, मेन गेट पे लिखा हो केदारनाथ टॉवर। इसी बिल्ड टॉवर में रहा करते हैं हमारे हिंदी और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार यानी कि मुरली शर्मा जी। हाँ hey guys, welcome back to my new vlog video. So, दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ साउथ इंडियन के सुपरस्टार जो कि विलन का और पुलिस का बहुत ही सारे किरदार निभाते हैं और बॉलीवुड में भी बहुत सारे मूवी में काम किए हैं, जिनका नाम है मुरली शर्मा जी। हाँ दोस्तों, मुरली शर्मा के आप लोग नाम से उनको नहीं पहचानते रहेंगे, लेकिन उनको बहुत सारी मूवी में आप सब लोग ने देखा रहेगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको उन्हीं का घर दिखाने वाला हूँ, मुंबई में कहाँ पर रहा करते हैं और उनका घर कहाँ पर है, पूरा एड्रेस बताने वाला हूँ आपको, पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ कि वो मुंबई में कहाँ पर रहते हैं और वो आज के डेट में क्या लिया स्टाइल है, और वो बहुत सारे सुपरस्टार के साथ में, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ में काम किए हैं, और उनका लेटेस्ट में मूवी आने वाला पुष्पा 2 में वो एक विलन का किरदार निभा रहे हैं जो कि अल्लू अर्जुन के साथ में। तो आज मैं उनका ही घर दिखाने वाला हूँ, मुंबई में उनका घर कहाँ पर, उनके घर के टूर कराने वाला हूँ और उनको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट। ये मेरे बैक सेट में जो देख रहे हैं ना, केदारनाथ टॉवर, इसी बिल्डिंग में रहा करते हैं हमारे साउथ के सुपरस्टार यानी कि मुरली शर्मा सर जी। हाँ दोस्तों, इनके नाम से आप सब वाकिफ़ जरूर नहीं होंगे, लेकिन इनके चेहरे से आप सब जरूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड मूवी से लेके साउथ की मूवी तक बहुत सारे मूवी में काम किया है। आपने DJ मूवी देखा रहेगा अल्लू अर्जुन का, उसमें भी इन्होंने अपना अच्छा अभिनय विलन का रोल पुलिस का रोल निभाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो इसी बिल्डिंग में रहा करते हैं दोस्तों, तो जो इनके बारे में मैं आपको पूरा बायोग्राफी बताऊंगा और ये कहाँ पे बिल्डिंग है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो देख सकते हो बहुत ही आलीशान और शानदार ये केदारनाथ टॉवर बिल्डिंग है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये बिल्डिंग के नज़ारे और इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताता हूँ दोस्तों। चलिए इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ इनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ जी। हाँ दोस्तों, मुरली शर्मा का जन्म 9 अगस्त 1972 को गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था जी। हाँ दोस्तों, इनका जन्म साउथ में हुआ था और ये ना हिंदी जगत के एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ वो तमिल, मलयालम और कन्नड़ के साथ साथ मराठी मूवी में भी काम की है। करीब इन्होंने 130 से ज़्यादा मूवी में काम किए हैं और अभी भी ये बहुत सारे मूवी में देखे जाते हैं जी। हाँ दोस्तों, इनकी एक्टिंग की बात करें तो इनकी एक्टिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग है दोस्तों, और इन्होंने ना हर एक किरदार को खूब अच्छे से निभाया है, जिससे कि इन्होंने एक अपना अलग ही पहचान बनाया है दोस्तों। इनके नाम से तो ज़्यादा कोई वाकिफ नहीं है, बहुत सारे एक्टर हैं दोस्तों साउथ में, बॉलीवुड में, जिनके पर्सनल नाम से कोई उनको नहीं जानता है, लेकिन उनकी मूवी को बहुत ही इंजॉय करते हैं दोस्तों। तो वैसे ही एक एक्टर हैं हमारे मुरली शर्मा, जिसको कि हम लोग बहुत सारे मूवी में देखे हैं और उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल जो उनका रियल नेम है वो रियल नेम से उनको नहीं जानते हैं दोस्तों। तो चलिए इनके कुछ हिंदी जगत के मूवी के बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने सिंघम देखा रहेगा, उसमें इन्होंने ना DSP का रोल अदा किया था, जो कि बहुत ही शानदार इनका एक्टिंग रहा है। उसके बाद आपने ढोल देखा रहेगा, ढोल भी एक ड्रामा मूवी थी, उसमें भी इन्होंने एक विलन के रोल निभाए थे, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग था इनका। धमाल में भी इन्होंने काम किया है, और साउथ की कुछ विशेष मूवी की बात करें तो इन्होंने, आपने देखा रहे अल्लू अर्जुन की मूवी DJ में इन्होंने ना एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा किया था, जो कि मूवी बहुत ही बेहतरीन गई, मूवी सुपर डुपर हिट रही, मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी रही साउथ की। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना, ये प्रभास के साथ में भी नजर आए थे, उनका जो मूवी आया था ना वो मूवी में भी नज़र आए थे, जो कि आपने देखा रहेगा राधे श्याम में भी नज़र आए थे इन्होंने, जो कि एक चोर के दोस्त, उसमें भी पुलिस का रोल करते हैं लेकिन चोर को सपोर्ट करते हैं, यानी कि प्रभास को सपोर्ट करते हैं ये, तो उसमें भी ये नज़र आए थे। तो ऐसे बहुत सारे मूवी में इन्होंने काम किया दोस्तों, जिससे कि ये अपना एक मुकाम हासिल किए हैं, और
इनकी एड्रेस की बात करें ना दोस्तों, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में रहा करते हैं मुंबई में। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया हूँ मुरली शर्मा का घर। जी हाँ दोस्तों, जो साउथ के और बॉलीवुड में बहुत सारे मूवी में काम किए उनका घर दिखाया हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।